इंडियन क्रिकेट का फ्यूचर सिक्योर है जब तक ऐसे नौजवान जो इंडिया के लिए परफॉर्म कर रहे हैं। इसके अलावा मैं रिंकू सिंह का बहुत बड़ा फैन हूँ। सलाम नमस्ते, सत श्री अकाल, मैं हूं सिद्धू, रेवोल्यूशन टीवी के साथ आज हम बात करेंगे गायकवाड़ जिन्होंने कल 123 के 57 बॉल्स पर साथ रिंकू सिंह को डिस्कस करेंगे, जिनको सिंगल लेना कभी सिखाया ही नहीं है इंडियन टीम ने। आईपीएल के शहजादे हैं और साथ में देखा जाए छक्के चौके लगाकर मैक्सवेल जैसे एक मांझे हुए प्लेयर को पागल कर सकते हैं, तो फिर आगे देखिए क्या हो सकता है। तो आइए पाकिस्तानी अवाम की राय लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, क्या हाल है सर आपका? मैं बिल्कुल ठीक सर। कल T20 जो सीरीज चल रही है इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का, कल तीसरा मैच था जिसमें कह लें कि ऋतुराज गायकवाड़ ने 123 किया 57 बॉल्स पर, क्या कहना चाहते हैं इसके ऊपर? ज़बरदस्त टैलेंट है, बेहतरीन टैलेंट है और इंडियन क्रिकेट का फ्यूचर सिक्योर है जब तक ऐसे नौजवान जो इंडिया के लिए परफॉर्म कर रहे हैं। इसके अलावा मैं रिंकू सिंह का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। रिंकू सिंह जिस तरीके से उन्होंने KKR को मैच जितवाया था आखिरी 5 बॉलों पर 5 छक्के मार के, वही रिदम के साथ वो इंटरनेशनल क्रिकेट में भी आए हैं। वो मैच फिनिशर हैं, वो मैच फिनिश करते हैं। तो इंडियन क्रिकेट टीम जो मेन टीम है वो सारी रेस्ट पे है और जिस तरीके से उनकी बी टीम आकर परफॉर्म कर रही है, ए भी नहीं, तो इससे अंदाज़ा लगा लें कि IPL ने इंडियन क्रिकेट को कितना मजबूत कर दिया है। बिल्कुल आपकी बात सही है कि IPL के अंदर ऐसे ऐसे प्लेयर्स उभर कर आते हैं कि आप सोच के परेशान हो जाते हैं कि भाई चल क्या रहा है, हो क्या रहा है, कहाँ से ये प्लेयर्स आ रहे हैं इतने टैलेंटेड। एंड देखा जाए तो सिर्फ ऑस्ट्रेलियन टीम में सारे के सारे आपको कह लें कि एक्सपीरियंस प्लेयर्स नज़र आ रहे हैं, मंझे हुए प्लेयर्स हैं। एक छोटी सी टीम से लड़ने के लिए उन्होंने अपने सीनियर्स प्लेयर्स बुला लिए, कभी ज़ैम्पा वापस आ रहे हैं, कभी मैक्सवेल वापस आ रहे हैं, कल ट्रेविस हेड भी नज़र आया हमें खेलते हुए। देखें, प्रोफेशनल टीम को अपनी फुल स्ट्रेंथ के साथ आना चाहिए। इंडिया को पता है कि उनके पास बेंच स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है। इंडिया के पास 3 टीमें हैं, ठीक है, वो उन्होंने इंसाफ करना हो तो जाहिर बात है वो जब उनको लगता है कि ये सीरीज़ इतनी अहम नहीं है तो वो अपने मेन प्लेयर्स को रेस्ट देते हैं। दुनिया की कोई भी टीम ऐसा नहीं करती। बाकी ऑस्ट्रेलियन टीम भी मेरे ख्याल में फुल स्ट्रेंथ के साथ नहीं खेल रही, 1-2 सीनियर प्लेयर हैं उनको रोटेट करके वो खिला रहे हैं। तो ये दोनों प्लेयर्स आपको नजर आ रहे हैं कि T20 वर्ल्ड कप के लिए बिल्कुल रेडी हैं खेलने के लिए, एक तो गायकवाड़, दूसरा रिंकू सिंह। देखें, बड़े अच्छे प्लेयर्स हैं, अब देखना होगा कि इंडिया इनको इस्तेमाल कैसे करता है, इनको पॉलिश कैसे करता है। इंडिया मशहूर है कि वो अपने प्लेयर्स को बनाता है, स्टार मेकिंग करता है, तो अब देखें कि इनको किस तरीके से वो किस तरीके से सिक्योर करता है और आगे वर्ल्ड कप में इस्तेमाल करता है। ओके, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है सर आपका? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक, आप सुनाएं? मैं बिल्कुल ठीक है सर। गायकवाड़ की बात करेंगे, कल 123 किया उन्होंने 57 बॉल्स पर, व्हाट अ परफॉर्मेंस, और मैक्सवेल को तो कल अच्छा खासा धो गए हैं वो। जी बिल्कुल, जिस तरह देखें वो बी ने सी टीम है, इसमें कोई सीनियर लड़का नहीं है सूर्य कुमार यादव के अलावा, और वो जिस तरह से पहले दो मैचेस उन्होंने जीते, कल मैच वो हार गए, लेकिन जिस तरह से उसने ऋतुराज गायकवाड़ ने इनिंग खेली 57 पर 123, उनका जो भी बैट्समैन पैदा होता है सबको मारने के लिए पैदा होता है, कोई भी बैट्समैन उनका ले लें, उन्होंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस कर रहे हैं सीरीज़ में, और आगे वर्ल्ड कप जो आ रहा है T20 उसके लिए वो बता रहे हैं कि हम पूरी तैयारी के साथ आएंगे। कल मैक्सवेल की भी सेंचुरी आपने देखी होगी उन्होंने की, लेकिन उनकी सेंचुरी का जितना चर्चा ही नहीं हुआ जितना गायकवाड़ चर्चा करवा रहे हैं अपना। जी बिल्कुल, अभी वो नया आया है, सी टीम है उनकी, बी भी नहीं कह सकते, एक सीनियर लड़का है और उसने बहुत अच्छी पारी खेली जी 57 पे 123, T20 में आसान नहीं होता जिस तरह उसने इनिंग खेली, और 222 का टारगेट था, जिससे वो उसकी लंबी इनिंग थी जिसकी वजह से वो टारगेट ना लेकर गए। क्या एक्सपेक्टेड है कि रिंकू सिंह के बारे में क्या रही है? ये तो ऐसे पैदा हुए हैं कि इनको किसी ने बताया ही नहीं है कि आपने सिंगल भी लेनी है, ये तो छक्के चौकों वाले बादशाह हैं। जी बिल्कुल, जो आता है छक्के चौके लगाता है, सिंगल लेना के इनके सिंगल तो वो लेते ही नहीं ना। अब रिंकू सिंह जिस तरह IPL उसने खेला, IPL में परफॉर्म किया, उसके बाद टीम में आया, टीम में आकर उसने मैचेस जितवाए, आते ही वो छक्के चौके लगाने लग पड़ता है, 10 बॉलों पर 30, 10 बॉलों पर 25 रन वो लगाता है, और अच्छा बैट्समैन है वो भी, और इंडिया का जो भी बैट्समैन आता है वो उनको जिताने के लिए पैदा होता है। बिल्कुल, T20 वर्ल्ड कप के अंदर रिंकू सिंह और गायकवाड़ हमें नज़र आ रहे हैं। जी बिल्कुल, देखें जिस तरह की उनकी परफॉर्मेंस है ऑस्ट्रेलिया के साथ, उसके बाद उनकी सीरीज है आगे साउथ अफ्रीका के साथ, और वो देखें पूरी तैयारी कर अपने जो यंग टैलेंट है उसको भी लेकर आ रहे हैं, उससे परफॉर्मेंसेज आ रही हैं, और उनके बॉलिंग जो T20 का बॉलर है अर्शदीप सिंह जी, और अच्छा बॉलर है, स्विंग अच्छी करता है, नेम बॉल का अच्छा बॉलर है, उसने भी परफॉर्म किया जिसकी वजह से वो अपने जो है ना T20 वर्ल्ड कप की फुल तैयारी कर रहे हैं। ओके, थैंक यू सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है सर आपका? अल्हम्दुलिल्लाह सर, क्या लगता है
लगता है आपको गायकवाड़ 123 कर गए हैं कल के मैच को देखने के बाद 57 बॉल्स पर, किस किस्म के आपको जुनूनी प्लेयर नज़र आ रहे हैं वो? अजी नो डाउट उनके हवाले से आपने नाम लिया, जुनूनी नहीं बल्कि वो बहुत के कमाल और बेस्ट प्लेयर कहूँगा। कल का मैच था, उन्होंने परफॉर्मेंस ओवरऑल अगर देखा जाए उस अकेले की परफॉर्मेंस निकाल के, पीछे सिर्फ 99 स्कोर ही बनता है, लेकिन उस बंदे ने अकेले ने 123 स्कोर कर दिया, यानी 123 स्कोर अकेले ने करके ये बता दिया पूरी ओवरऑल जितने भी उसके शायकीन थे इंडियंस को देख रहे थे तो उनको बता दिया कि गायकवाड़ कोई एक आम प्लेयर नहीं है, आने वाले टाइम में एक उभरता हुआ शाइनिंग स्टार है, शाइनिंग स्टार था या नहीं बल्कि अभी वो बन चुका हुआ है। ठीक है, आपकी बात सही है, कल ग्लेन मैक्सवेल ने खेलने के सेंचुरी के उसकी सेंचुरी को गिन नहीं रहा जितना गायकवाड़ का जिक्र हो रहा है। देखें मैक्सवेल ने जो भी है, मैक्सवेल ने जो है वो उसको बेशक विन कर लिया जो भी है, वो उनके सीनियर प्लेयर थे, ये देखें जो जूनियर है उन्होंने इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को ना कहते हैं नथ डाल दी हुई थी, उसको कहते हैं ना पंजाबी में नथ डालना, तो वो नथ डाल दी हुई थी। वो देखने वाला था कि कल का मैच पता चल रहा था कि यार वाकई ये मैच है, तो सिंह सिंगल लेना जानते ही नहीं है, वो तो छक्के चौकों के बादशाह हैं। जी उस तक तो बात नहीं पहुंची, अगर उस तक बात पहुंची होती तो वो मेरे ख्याल से इससे भी ज़्यादा स्कोर हो जाता। आप देखिए लास्ट ओवर में गायकवाड़ ने 4 छक्के मार के एक ज़बरदस्त खेल पेश किया है, बाकी भी उन्होंने बड़ी अच्छी प्लेइंग की है, मैं कहता हूँ कि ओवरऑल उनकी टीम ने जो परफॉर्म किया है बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्म किया है। वर्ल्ड कप T20 में ये नज़र आ रहे हैं पक्के यस स्टैंप, अगर अभी आपके पास कोई चीज़ है तो मैं अभी स्टैंप लगा देता हूँ ऐसे करके कि वो कन्फर्म है। कन्फर्म है, ठीक है, वो गायकवाड़ ने अपनी जगह बना ली है, रिंकू सिंह ने बना ली है, मैं कहता हूँ इनके ये आने वाले टाइम में ये इनके ODI के भी प्लेयर हैं, हम शायद ये समझते हैं शायद ये T20 के प्लेयर हैं, ये इनके इस टाइम जो है ना वो ODI के भी प्लेयर हैं। बहुत ज़बरदस्त खेल पेश किया, देखने वाले जो है ना वो बस आंखें खोल के देखते ही रह गए, नो डाउट वो मैच क्योंकि सारी बात है अब इंडिया ने भी एक एफर्ट की थी और ऑस्ट्रेलिया ने भी बड़ी एफर्ट करके उसको जीता है, लेकिन ये है कि इंडिया ने नत तो डाली है ना, 222 स्कोर इतना छोटा स्कोर तो नहीं था T20 में, तो अच्छा स्कोर किया है, लेकिन इसके बावजूद ऑस्ट्रेलिया ने जो है वो मैक्सवेल ने खेल अच्छा पेश किया, लेकिन इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आगे जो दो मैचेस हैं वो दोनों के दोनों इंडिया विन करेगा सीरीज। तो अपने नाम करेगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है सर आपका? अल्लाह का शुक्र। सर सवाल आज का ये कि बात करेंगे गायकवाड़ की, जिन्होंने कल कह लेंगे 123 किया 57 बॉल्स पर, मतलब पहले सूर्य कुमार यादव ने किया 41 पर 80 और अब इन्होंने कर दिया, क्या क्या करना क्या चाह रहे हैं? इनकी बहुत अच्छी जो है ना ब्राइट फ्यूचर है आगे, और इनकी टीम बहुत स्ट्रॉन्ग है और इनकी स्ट्रगल बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, तो इसलिए इनको चाहिए कि इसी तरह की परफॉर्मेंस देते रहें ताकि जो दूसरी टीमें हैं वो इनको देख के इनको फॉलो करें। बिल्कुल, एक इंस्पिरेशन बनना चाहिए इस वक्त जो इंडिया की टीम खेल रही है, आपको पता है ये सारे के सारे यंगस्टर्स हैं सिवाय सूर्य कुमार यादव के, और यंगस्टर्स आकर इतना बुरा ऑस्ट्रेलिया को हरा रहे हैं। हाँ जी, इनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, इनका टीम वर्क बहुत अच्छा है, इनको जो लीड करने वाला इनका जो कप्तान है वो बहुत अच्छा है, जिसकी वजह से इनकी परफॉर्मेंस हर मैच में और हमेशा ही अच्छी परफॉर्मेंस रही है, इनकी बॉलिंग बहुत अच्छी है, इनकी बैटिंग बहुत अच्छी है, इनके कीपर बहुत अच्छे हैं, फील्डिंग बहुत अच्छी है, हर चीज़ इनकी यानी कि ओवरऑल टीम को लेकर चलने वाला जो कप्तान है वो बहुत बेटर है। तो बिल्कुल आपकी बात सही है कि वो बहुत बेटर है, हमें नज़र आ रहा है कि कप्तानी अगर अच्छी होगी तो अगर टीम मजीद मोटिवेट होगी। रिंकू सिंह कौर इनके बैट्समैन हैं जो कि कह लें कि सिंगल नहीं कभी लेते, जब भी आते हैं मैच फिनिशर कहलाते हैं और छक्के चौकों से आकर अगले वाले को परेशान कर देते हैं। जी हाँ जी, इसी तरह दूसरी टीमों को भी चाहिए कि वो इनको फॉलो करें, इनसे इंस्पिरेशन हासिल करें और इनको देख के इनकी जो स्ट्रगल है उस तरह की स्ट्रगल करें ताकि वो अपनी टीम को और अपने मुल्क को अच्छा जो है ना एक नाम दे सकें। क्या एक्सपेक्ट है T20 वर्ल्ड कप में ये दोनों प्लेयर्स खेलेंगे? हाँ खेलने चाहिए दोनों, क्योंकि इतनी अच्छी इनकी परफॉर्मेंस है, अगर ये ना खेलें तो ये तो फिर इंडिया के टीम के साथ ज्यादती होगी बल्कि आवाम के साथ जो इनके साथ अटैच है जो इनके फॉलोवर्स हैं वो उनके साथ ज्यादती होगी। ओके थैंक यू सर, ये थी पाकिस्तानी आवाम की राय, आपकी अपनी क्या राय है आप हमें नीचे के कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।